तो फाइनली दोस्त आप काइन मास्टर से किस तरह से इतना बेहतरीन बेहतरीन एडिटिंग कर सकते हैं, तो ये देखिएगा, मैं अभी आपको चला के दिखाता हूँ, देखिएगा। तो फाइनली गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं किस तरह से इसको बनाया हूँ, तो आप आके मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक थोड़ा सा बता देता हूँ, तो आप बने रहें इसी वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर वीडियो में कहीं भी स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। ये मैं आपको ऐसे सिंपली दिखाया हूँ, लेकिन मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगा इसी वीडियो को, लेकिन बनाते कैसे मैं ये थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, इसको ही रिमूव करके दिखाऊं, नहीं मैं तुम्हारे लिए नया एक बना के दिखाऊंगा ताकि आप लोग को समझ आएगा। तो मैं इसको बैक करता हूं, क्रिएट अकाउंट, क्रिएट में ऐसा 16x1690 वाला सेलेक्ट करेंगे पेजेस, उस पेजेस में जाएंगे आप इमेजेस में आपको बैकग्राउंड किस तरह का चाहिए, तो बैकग्राउंड आप सेलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड को मार के इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं। आप समझ लो मैं आपको 14 सेकंड में बता सिखा रहा हूँ, तो 3-3 सेकंड में एक एक वीडियो को कैसे चलाऊंगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा व्हाइट पेज है, तो इसमें से मैं अभी ये सेलेक्ट कर लिया, तो अब मैं इसमें से एक वीडियो सेलेक्ट करूँगा अपना, जाके इधर से मैं अभी इधर से लेयर जाऊंगा, लेयर से मैं इधर जाऊंगा, और इधर से मैं जाऊंगा इधर। अभी मैंने जो वीडियो एक रिकॉर्ड किया है, तो मैंने ये 3 सेकंड का मेरा वीडियो रिकॉर्ड किया है, मैं इस वीडियो को सबसे पहले क्रॉप करूंगा, मेरे को कितनी वीडियो की ज़रूरत है, कितना लेंथ की ज़रूरत है, उतना ही लेंथ की मैं इन्हें 4 वीडियो बना लूँगा। तो दोस्तों आप लोग बने रहें, देखते रहें, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है ऑलरेडी, तो आप इसको समझ लो मैं 4 का बनाने वाला था, अभी मैं आपको 2 का सिखाऊंगा। पहले जब 2 को आप सीख जाएंगे तो 4 का ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे, ऑटोमेटिक केवल आपको समझने की जरूरत है, आप लोग भी काइन मास्टर का यूज करते हो। तो अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, एकदम इजीली डुप्लीकेट करके कॉपी कर लेते हैं, तो इसके ऊपर से हम एक और निकाल लेंगे इधर, ओके, और हम इसको और आगे बढ़ा देंगे। ओके, इसको हमने आगे बढ़ा दिया थोड़ा सा, तो फाइनली आप लोग देख चुके होंगे, और इसको अगर हमको और भी और 4 चलाना है 4 स्क्रीन, तो फिर डुप्लीकेट करेंगे, तो हमने एक और बना दिया, यहाँ से हम यहाँ एक ऐड कर लेंगे। ओके, एक और अगर हमें चाहिए तो हम इस तरह से कर सकते हैं, इसको इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो और हमें एक चाहिए अभी, क्योंकि 4 बनाना, डुप्लीकेट एक और कर सकते हैं, तो एक और हमको यहाँ से मिल जाएगा डुप्लीकेट, और ये मिल गया, हमने डुप्लीकेट तो बना लिया, लेकिन ये डुप्लीकेट में अभी हमें काफ़ी सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, काफ़ी सारे प्रोसेस के बाद हमें ये बेहतरीन लगेगा। ओके, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देखते रहें, वीडियो में कुछ भी अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करके जरूर पूछ लें, आपको गाइड में भरपूर आपकी मदद करूँगा। अब अभी तो आप लोग को थोड़ा समझ नहीं आएगा, थोड़ा लेट भी लगेगा वीडियो में, तो वीडियो लंबी है, लेकिन आपको सीखना को बहुत कुछ मिलेगा, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, अगर वीडियो स्किप करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे आप, मुश्किल नहीं, आपकी मर्जी, आप स्किप करके भी देख सकते हैं, वीडियो को फास्ट करके आप जरूर देख लें अगर आपको टाइम की ज़रूरत है। अब हमने ये इतना सेलेक्ट कर लिया, हमने ये चीज़ सेलेक्ट कर लिया, ओके, ये चीज़ सेलेक्ट हो चुका है, अब हमें क्या करना है, इसकी हमें स्क्रीनशॉट निकालनी और हर एक जगह जगह में हमको फिल करना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट हमें कहाँ से मिलेगा, तो स्क्रीनशॉट के लिए हमें बहुत मुश्किल करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट यहाँ से नहीं, हमें यहाँ से स्क्रीनशॉट भी नहीं मिलेगा, हमें इसके लिए एक स्क्रीन को फुल करना पड़ेगा, किसी भी एक को फुल करना पड़ेगा, तो ये हमारा थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो हम इसको इधर और इसको इधर कर देते हैं ताकि मुश्किल नहीं हो। तो हम किसी भी एक स्क्रीन को फुल कर लेते हैं, जाके यहाँ से हम स्क्रीन को फुल, उल्टा हो गया फिर, मुश्किल नहीं, मैं इसको अभी आपको जो स्क्रीन फुल किया मैं वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने इस स्क्रीन को कर लिया है अभी फुल, और आप बने रहे मेरे साथ में, तो देखते रहें, इस स्क्रीन को मैंने फुल करके स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा मुझे इसके ऊपर जैसे लेयर लगानी है, तो लेयर लगाने के लिए हमें कहाँ जाना, लेयर में जाना पड़ेगा, हमें लेयर में जाना पड़ेगा, लेयर के पीछे जाके हमको स्क्रीनशॉट में जाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट में मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है, तो मुझे सबसे पहले इसको क्रॉप करना पड़ेगा, क्रॉप करने के बाद कितना मुझे वीडियो दिखाना है बस मुझे उतना ही रखना है। ओके, तो मैं इसको ओके करूँगा, और मैं ये देखूँगा मेरा वीडियो कहाँ तक कितना है, तो मैं इसको एब्सोल्युटली इसके ऊपर बैठा दूंगा, और फिर मैं इसी की कॉपी करके हर एक के सीन पे बैठाऊंगा। अब हमें इसको बड़ा करना है, देखो ये इसको मुझे, ये मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ आपको अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, अगर आपको नहीं, ये देखो अभी मैं ये क्या किया, मुझे यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ से इसकी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से ये वीडियो खलास हो जाएगी, ये जो फुल वीडियो है इसको हम स्प्लिट से जाके फिर इसको कर देंगे ऑफ़ स्प्लिट को, तो ये हमारी वीडियो इधर ही आ जाएगी। तो मैंने अभी इसको किया, इधर कर दिया, फुल कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे मैं जब ऐसे करूँगा तो ये वीडियो चलती हुई मिलेगी, लेकिन जब ये वीडियो चलती है ना, अब ये वीडियो यहाँ पे क्लास है, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लास है, तो ये रुक जाएगा, ऐसे आके ये रुक जाएगी। ओके, आपको थोड़ा समझ आएगा, ये देख सकते हैं ये वीडियो चल रही है अभी, लेकिन ये जब दूसरी वीडियो ऑन होगी तो ये खलास हो जाएगा, समझ आया, तो ये वीडियो ये ऐसे रुका हुआ समझ में आएगा। ओके, और मैं अभी देखो इसको भी, इसके बगल में भी आपको बना के दिखाऊंगा, तो मैं इसको भी डुप्लीकेट करके कॉपी कर लेता हूँ,
और मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही मज़ेदार ट्रिक। तो फाइनली मैं आपको जो सिखाने वाला था वो सिखा नहीं सका, तो मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ अपने दूसरे चैट पे जहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। तो वहाँ पे मैं क्योंकि इसको बनाने में लगता है टाइम, तो आप फटाफट देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं इस तरह से बना के रखा हूँ, ये वीडियो मैंने 10 सेकंड की ऐड करके रखी है, देखो चल रही 10 सेकंड। ठीक, उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो ऐड करके रखी, लेकिन ये जो वीडियो में रुका हुआ जो है ये फोटो जो रुका हुआ है इधर, ये कहाँ से, ये मैंने स्क्रीन शॉट करके लेयर से लगाया है, लेयर से। जैसे कि ये कौन सा है, ये देखो आप इसमें से देख सकते हैं, ये इधर है, समझ आया आपको, इतना मैंने लेयर लगाया है। फिर इधर ये वीडियो है, ये इसकी वीडियो है, ये वीडियो चलेगी। फिर इसके बाद मैंने इधर फिर आपको लेयर लगा दिया है, फिर मैंने लेयर लगाया है, ये जो रुका हुआ है ये लेयर इधर की तरफ कहीं नीचे होगा या ऊपर कहीं होगा, ये ऊपर की लेयर है। ओके, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, गर्दा उड़ा दें। तो बने रहें हमारे साथ। तो जय हिंद।